तो फिर ये फैमिली कल यानी कि फ्राइडे 22 सितंबर 2023 को शाम में लाइव 8 बजे रोमन जो कि पिछले साल से लेकर अभी तक यानी कि 2K22 खत्म हो गया, 2K23 आ गया, लेकिन रोमन की ये किंग की गद्दी कोई नहीं छीन पाया है। पर कल लाइव एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को चैलेंज कर रहे हैं और ये वाला जो बीस्ट मोड है कितने खतरनाक है और ये क्या क्या कर सकते हैं ये तो आपने लाइव में देख ही लिया है। और कल के इनके धमाकेदार मैच से पहले आज ये दोनों दुश्मन टैग टीम मैच में फाइट करेंगे। 2-on-3 मैच है ये और इन दोनों के अपोनेंट्स इनकी किस्मत डिसाइड करेगी। तो इनके फर्स्ट अपोनेंट है दी अंडरटेकर, दोनों ने आ रहा है अंडरटेकर को रेसलमेनिया में। इनके सेकंड अपोनेंट है ये जूलियस क्रीड जो कि आई थिंक एनएक्सटी का, और तीसरे और आखिरी अपोनेंट ओ खली सर, बहुत दिनों के बाद, लेकिन अगर खली लेना ही है तो नीचे वाला ले लेते क्योंकि ये ज्यादा अच्छे दिखते हैं। अच्छा 2K23 में अभी तक जितने भी किंग टूर्नामेंट की फिनाले हुए हैं ऐसे ऐसे अपोनेंट आए कि रोमन ने आराम से हरा दिया है, लेकिन कल लाइफ में ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि रोमन के अपोनेंट है बीस्ट मोड ब्रॉक लेसनर और कल होगा जोरदार मुकाबला। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ आप किसकी टीम में हो, टीम रोमन रेंज या फिर टीम ब्रॉक लेसनर। और फेल आर्मी जैसा मैंने बोला है कि 450K पे फिर से Q&A होने वाला है, इसलिए जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, 450K होगा और उसके बाद एक बार फिर से Q&A भी होने वाला है। अगर सर ऐसा मुझे लगा कि टूमस्टोन देने का ट्राई कर रहे थे लेकिन दे नहीं पाए, एक बार और ट्राई और आई थिंक रिवर्स कर दिया ब्रॉक ने छीन ही लिया फिनिशर। के फैंस से ज्यादा रोमन के फैंस देख लो बीस्ट मोड का जलवा, क्योंकि दिक्कत ये है कि कल यही फेस करने वाले हैं और अगर गद्दी गई भाई तो फिर बीस्ट मोड एक बार जो बैठ जाएंगे गद्दी के ऊपर फिर किसी को बैठने देंगे नहीं। तो देख लो क्या होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम 2K22 में याद है ना जब ब्रॉक वर्सेस रोमन हुआ था, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, ऑलमोस्ट हरा दिया था ब्रॉक ने और F10 भी लगा दिया। ब्रॉक के पास 3-3 फिनिशर है, टेकर सर को कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। ब्रॉक पिनफॉल मत, अरे पिनफॉल क्यों करवाते हो ब्रॉक, ऐसा होना चाहिए पता है कि जब तक ये लोग को लगे नहीं कि हाँ पिनफॉल होगा, दो फिनिशर के बाद पिनफॉल कंपलसरी होना चाहिए, एक फिनिशर के बाद पिनफॉल को हटा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि एक फिनिशर में पिनफॉल हो गया, बल्कि एक बार लाइव में ऐसा हुआ था, एक दो लाइव पहले ऐसा हुआ था कि किसी ने एक फिनिशर लगाया और सामने वाले का पिनफॉल हो गया था। किसके साथ ऐसा हुआ था अगर आपको याद है तो कॉमेंट करके बताना, लेकिन हाँ ऐसा हुआ था मुझे याद है, वो भी 2K23 में। तो ये लोग अच्छा ही करते हैं, एक फिनिशर देके पिनफॉल कर लेते हैं। ब्रॉक नीचे, ओ ब्रॉक को देख लो आप, ब्रॉक ये गलत हो रहा है, ये टूमस्टोन भी लगा दिया ब्रॉक ने टेकर सर को, उन्हीं का फिनिशर, यानी कि एक फिनिशर छीन लिया अंडरटेकर का और दूसरा फिनिशर उन्हीं को लगा के उनका खत्म कर दिया। वाह ब्रॉक वाह, हालत खराब कर दी, फुल हेल्थ है ब्रॉक की भाई। ये ब्रॉक कल फेस करेंगे रोमन को भाई, कल धमाल होने वाला है पता है, क्योंकि गॉड मोड भी कितने खतरनाक है ये भी सब जान रहे हैं, लेकिन बीस्ट मोड बोलने से ज्यादा करके दिखा रहे हैं भाई। ये देख लो आज की मैच ही में देख लो, दो दो फिनिशर था, टेकर की दोनों फिनिशर छीन लिए। ब्रॉक सामान की जरूरत नहीं, ये क्या जरूरत है वेपन की, ब्रॉक हाथी वेपन है ब्रॉक का आज तो। एक और फिनिशर और टेकर सर एलिमिनेट हो जाएंगे, टेकर सर रिवर्स कर दिया, बच गए टेकर सर, गुड कॉल। और एक काम, ओ फिनिशर आ गया ना, लेकिन टूमस्टोन देने का ट्राई मत करना टेकर सर, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, ये भी अच्छा डिसीजन है। टैग दे दो, इस क्रीड को टैग मिला, पता नहीं भाई ये हो सकता अपने को शॉक कर दे, ऐसे मुझे नहीं लग रहा था कि ये शॉक करेगा, ये मार खाने आया है। तो मैं जानने का नाटक नहीं करूंगा, क्रीड भाई को मैं जानता नहीं हूँ, एक दो बार शायद NXT में शक्ल देखी होगी लेकिन ऐसे कभी आवाज सुनी नहीं, या सुनी भी होगी तो याद आई थिंक के मुझे तो याद नहीं है, आप लोग को याद होगी तो अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि शॉक कर दे क्रीड भाई। क्या गेम हो चाहे रियल लाइफ हो, किसी को भी अंडरएस्टिमेट मत करो। हाँ बस कॉर्बिन को कर सकती हो, उसका करना बनता है, टकलेगा। गॉड मोड को फाइनली टैग मिल गया, लगता है ब्रॉक थक गया मैच कर करके। ओके रोमन फिनिशर से स्टार्ट करोगे, लेकिन अरे रिवर्स कर दिया क्रीड भाई ने, दो दो फिनिशर इनके पास भी, और ये फिनिशर है क्या, इतने स्टाइल से दिखा रहा है तो फिनिशर ही लग रहा है। ओहो बहुत खुशी के साथ, बढ़िया भाई, अच्छा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है। रेफरी भी शॉक हो गया, रेफरी भी खड़ा होकर देख रहा है कि अच्छा रोमन को फिनिशर लगा दिया, ओके मुझे भी यकीन नहीं हुआ। देखा पीछे करके वीडियो देखो, रेफरी शॉक था, दो चार सेकंड के लिए रेफरी को समझ में नहीं आया कि पिनफॉल करना है कि क्या करना है। ट्रीट अगर एक और फिनिशर लगा देता है तब फिर बाकी सब टीममेट्स के लिए यानी अंडरटेकर और खली के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन रोमन ने आड़ा तिरछा गिलिटीन लगाया भाई, इसको गुस्से वाला गिलिटीन लगाया, पैर वैर में भी गिलिटीन लगा दिया। रोमन इतना नहीं मारना था बेचारे ने, एक फिनिशर ही तो दिया था। अच्छा ढोल मूवी वाला मीम तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना कि इसकी बॉडी उल्टी पुल्टी हो गई, तो इसकी बॉडी तो सही में उल्टी पुल्टी हो गई थी। ये देख लो इसको मार की कोई कमी थी, ब्रॉक लेसनर भी आ गए, बची कुची कसर लेसनर पूरी कर ही देंगे, बहुत मार रहे भाई आज ब्रॉक।
फुल मूड में एक फिनिशर और इसका टाटा ही है। ब्रॉक का पिनफॉल शायद नहीं देने, एक ही फिनिशर पड़ा है लड़के को, इतना भी जल्दी नहीं जाएगा। तीन फिनिशर लगेंगे कम, नहीं नहीं तीन नहीं, तीन नहीं, तीन ज्यादा बोल दिया मैंने, दो फिनिशर तो लगेंगे। एक लगा दिया रोमन ने, ब्रॉक स्टील स्टेप्स की जरूरत नहीं थी लेकिन ब्रॉक यूज करेंगे। अरे जाने दो, लड़का नया नया आया है, ब्रॉक ऐसे नहीं करते। एक फिनिशर तो एलिमिनेट करो, ये देखो रोमन की तरफ जा रहा है, इसको और कोई नहीं मिला, रोमन को टैग मिल गया, बहुत मारेंगे रोमन। गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। ब्रॉक ऐसा नहीं लगा कि चाह रहे कि रोमन थोड़ा मार खा जाए, है तो दुश्मन ही ना, इसलिए ऐसा होता है जब दुश्मन लोग टैग टीम मैच में रहते हैं तो एक दूसरे को पिट्टे देते हैं। और ये इसका खेल खत्म है भाई, ये जोरदार F10 के बाद ये गया अपने घर, टाटा बाय बाय गुड बाय। खली सर आ रहे फुल हेल्थ के साथ और खली सर ने फिनिशर भी लगा दिया, डबल हैंडेड चॉक स्लैम, इनके फिनिशर में डबल रिवर्सल भी था लेकिन ब्रॉक ने करा नहीं। चलो अच्छा है खली सर, ब्रॉक को पूरे मैच में पहला फिनिशर लगाया, बहुत बढ़िया। टेकर सर का तो दो दो फिनिशर वेस्ट करवा दिया ना ब्रॉक ने, लेकिन ब्रॉक मार ही दिखा रहे, ये असली में ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्रॉक का मैच है। फिनिशर खाए तुरंत खड़े हो गए, फुल एक्टिव है ब्रॉक। रोमन नीचे क्या कर रहे हैं? अच्छा वो स्टील स्टेप्स में अटक गए थे रोमन, हो जाता है, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। अब ब्रॉक ने एक एलिमिनेशन कराया तो भाई अब नेक्स्ट बनता है कि रोमन एक एलिमिनेशन करे क्या, तब ना लगे कि हाँ दो दुश्मन खतरनाक दुश्मन है। नॉर्मल सबमिशन खली सर, टैप वैप मत कर देना, नहीं 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 टैप नहीं करेंगे, अच्छा ओवरऑल है खली का भी। देखो खली सर आप इंडिया के हो तो आपको एक टिप दे सकता हूँ भाई, समझ के कि आप लो ब्लो लगा सकते हो, डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं तो लगा दो एक लो ब्लो, अगर चाहो तो लगा सकते हो, फायदा कुछ होगा नहीं, ये लोग एलिमिनेट हो गए नहीं भाई, बहुत ही खतरनाक लोग है दोनों। लेकिन खली सर ने टैग दे दिया, कोई नहीं खली सर मैंने आपको टिप दे दिया, आप यूज करो नहीं करो। अंडरटेकर फाइनली एक टूमस्टोन लगाते ना, पूरे मैच में अंडरटेकर सर को टूमस्टोन ही लगाने कोई नहीं दे रहा है। डबल टीम अप टेकर सर के ऊपर, ये दोनों अच्छा टीम अप कर रहे हैं भाई, कल तो दुश्मनी, आज कितना भी टीम अप कर लो कल तो एक दूसरे की भाई जान लेते हुए नजर आएंगे दोनों। और अंडरटेकर को अंडरटेकर ही का फिनिशर, मूव थीफ यूज करके रोमन लास्ट राइट देने जा रहे थे लेकिन टेकर सर ने रिवर्स कर दिया। और जब ब्रॉक ने मूव थीफ भी दिया था तो मूव थीफ भी कनेक्ट हो गया था। ब्रॉक की किस्मत भी अच्छी चल रही है इस मैच में, लेकिन वही है ना देखो, किस्मत अच्छी चलना और मैच जीतना कल पता चलेगा, कल लाइव में पता चलेगा। फिलहाल रोमन एक एलिमिनेशन करो, ब्रॉक ने एक एलिमिनेशन कर दिया है लेकिन इस जबरदस्त स्पीयर के बाद खली सर एलिमिनेट नहीं हुए। रोमन कम से कम एक और फिनिशर तो लगेगा या शायद दो भी लग सकता है, तो अच्छा डिसीजन यही होगा कि ब्रॉक को टैग दे दो, ड्रैग करके ले जा रहे हैं, ज्यादा दूर है नहीं, ड्रैग हो जाएगा, फिर से डबल टीम अप। मैं बोल रहा हूं ना दोनों दुश्मन भाई टीम अप अच्छा कर रहे हैं, गॉड मोड और बीस्ट मोड, बढ़िया टीम अप, दो बार डबल टीम अप किया एक मैच में, कब दो बार देखने मिलता है, ये कभी कभी ऐसा होता है। और ब्रॉक अब अपने फिनिशर देने के मूड में है भाई, ये जिस तरह का मॉड मैंने बना दिया ना ब्रॉक और रोमन का, इनके लिए तीन कम पड़ेंगे भाई, इनको कम से कम 5-2 करवाना होगा तब ये लोग हारने का थोड़ा सा इनका चांस बनेगा। देख रहे हो दो आदमी एलिमिनेट हो गए, इन दोनों की बॉडी अभी तक येलो है, ब्रॉक की तो अब ऑलमोस्ट फुल हेल्थ होने वाली, क्यों ब्रॉक ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है सर एक और फिनिशर लगाओ, शायद एलिमिनेट नहीं होंगे लेकिन ठीक है, थोड़ा तो रिस्क बनेगा ना, वन साइडेड मैच चल रहा है कब से। ठीक है सर सिग्नेचर फिनिशर दोनों बैक टू बैक लगा दो, ब्रॉक अपना फिनिशर देने वाले, मैच खत्म। ब्रॉक को पूरे मैच में एक भी फिनिशर नहीं लगाया ना, नहीं ब्रॉक को पूरे मैच में एक फिनिशर लगा था, खली सर ने दिया था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक फिनिशर लगा था। ब्रॉक और रोमन की दुश्मनी ना भाई जब तक दोनों रिटायर नहीं हो जाते तब तक खत्म नहीं होने वाली, बल्कि रिटायर भी हो जाएंगे ना तो रिटर्न आगे दोनों दुश्मनी अपनी कंटिन्यू रखेंगे। विल की फैमिली जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, कल लाइव में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए कल फुर्सत में रहना सब रात के 8 बजे। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, 450K पर Q&A है। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।